बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आप सबको भी अल्लाह पाक खुश रखे और खुशियाँ दे। अभी हम सुबह का टाइम था तो फिर करने लगी थी नाश्ता। कभी कभी मैं सिर्फ चाय पी लेती हूँ। नाश्ते में मुझे एक बिस्किट पसंद, कभी कभी खा लेती हूँ बिस्किट, और कभी ले लेती हूँ थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स और ये बिस्किट भी इस तरह के भी कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा बच्चों को पसंद है। मैं इतना भी नहीं लाइक करती इन चीज़ों को। ये देखें इस तरह, ये भी ना बच्चे बहुत लाइक करते हैं इस तरह की जो होते हैं रोल बने हुए, जैसे तो क्रीम रोल भी होते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बनी होती है केक टाइप, छोटे छोटे केक। तो मुझे कभी ये बिस्किट भी पसंद होते हैं, कभी ये बिस्किट खा लेती हूँ, लेकिन मैं कम ही खाती हूँ, सिर्फ चाय पी लेती हूँ अक्सर। चाय बस मुझे पसंद है, सिर्फ चाय पी लेती हूँ सुबह। मुझे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांग चाहिए ना वो भी नहीं पसंद, मुझे बस लाइट लाइट चाय ऐसी पसंद है। ऐसे होता है क्योंकि यहाँ बस मौसम अक्सर हवाएं बहुत होती है, तो सुबह हम बाहर निकलते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए तो बहुत तेज़ हवा होती है कभी कभी, और बारिश, तो फिर हमें ऐसे सर में दर्द हो जाता है। तो फिर चाय वगैरह पिए तो थोड़ा बंदा रिलैक्स होता है, क्योंकि यहाँ मौसम तकरीबन ऐसे होते हैं, सुबह तो तकरीबन ही बहुत ऐसे ठंडक होती है, हवा होती है बाहर। तो फिर अभी आज फिर दिन को मैं आपसे और भी सफाई भी करनी है, फिर वो भी शेयर करूँगी, बाहर भी जाना है तो कुछ बातें आपसे भी शेयर करूँगी। चलिए आप चाय पी लेते हैं और नाश्ता ख़त्म करते हैं, तो फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। चलें जी, अब हम निकले हैं चीज़ें लेने के लिए। चलें चलते हैं अब मार्केट, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या लेना है हमने। चलें जी, अभी हम आ गए हैं तो ये इधर से ले ली है जेल हाथों में लगाने के लिए। अभी हम चलते हैं अंदर, चीज़ें लेनी है कुछ। पहले देख लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है लेना, क्योंकि चलते हैं फिर देखते हैं कि देखें। अब तो मास्क भी हर जगह पे मास्क ही होते हैं, और जो फ्रूट वगैरह इधर उन्होंने एडजस्ट किया होता है। चलें जी, आपको दिखाते हैं अब क्या क्या लेना है हमने। तो ये हमने बास्केट भी ले ली है चीज़ें रखने के लिए, तो यहाँ ऐसी बास्केट लेनी पड़ती है क्योंकि इसकी दोनों साइड होती हैं, इसमें भी हमने चीज़ें रखनी होती हैं, इसमें भी। तो इस तरह इजी रह होता है कि हम ऐसे जो भी अपने ग्रोसरी लेनी है इसमें रखें तो इजी हो जाता है, और फिर उठानी भी नहीं पड़ती, और फिर सारे सेंटर में ऐसे हम आसानी से जाते हैं। चलें जी, अब हमें लेना था कुछ लेफ, ये चिप्स वगैरह भी हैं, और बच्चों के लिए चिप्स भी लेने थे। तो ये ले लेते हैं, ये अच्छे चिप्स हैं क्योंकि उनको पसंद भी है। तो अभी चलते हैं आगे, ये देखें इधर ना उन्होंने कुछ किया है,
सेटिंग चेंज की है तो कुछ चीज़ों का कुछ पता नहीं क्योंकि साइड पे रखी हैं उन्होंने। अभी सेंटर बहुत खुला है वैसे तो। चलें जी, आप भी आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि ये इधर सारा, लेकिन ये हलाल नहीं है इधर। हमने इधर से कभी नहीं लिया, हम बस जो हलाल चीज़ें होती हैं वो लेते हैं। क्योंकि यहाँ फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें हलाल हैं और कौन सी नहीं, बहुत एहतियात से चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अभी हमें चाहिए था ऑयल तो ले लेते हैं एक बोतल ऑयल। तो चलें जी, फिर चलते हैं आगे। तो अभी कुछ और चीज़ें लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, अभी योगर्ट ले लेते हैं तो फिर कुछ चाहिए हमें ये वाला योगर्ट। चलते हैं, अभी फ्रूट चाहिए मुझे तो वो भी ले लेती हूँ, दो तीन बॉटल्स। चलें जी, दूध भी ले लेती हूँ। अभी उधर से देखते हैं दूध के दूसरे पैकेट। अभी आइसक्रीम भी मुझे बहुत पसंद है ये वाली, ये भी ले लेते हैं एक पैक। तो और भी पसंद है लेकिन अभी देखती हूँ कि कौन सी अच्छी है। और क्योंकि ये वाली भी अच्छी है कोकोनट। ये इतनी भी अच्छी नहीं। चलें जी, आप हमने शॉपिंग कर ली है, दूध और पानी भी चाहिए था मुझे बच्चों के लिए सारा कुछ। तो अभी फिर चलते हैं केस पे, तो फिर आपको अब घर जाके ही आपसे दोबारा बात होगी। चलें अब केस पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत रश होता है तो बहुत टाइम लगता है। चलें जी, तो आज तो बहुत अच्छा हुआ है, ये देखें कि मैंने विन किया है ग्लास। ये जब चीज़ें लेते हैं तो एक टिकट मिलती है, तो वो टिकट एंड पे लगाते हैं, तो ये ग्लास विन किया। चलें अब घर जाके फिर आपको बताते हैं क्या लिया हमने। अरे लेट्स गो। ये देखें, ये जो ग्लास आप देख रहे थे ना, ये था जो मैंने विन किया था उधर से मार्केट से ना। नहीं तो फिर भी ऐसे अच्छा फील होता है कि हमने विन किया है, तो फिर मुझे भी अच्छा लगा था। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि ये जो इधर ना फ्रांस में ये जो ऊपर इन्होंने डाली हुई है, तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगा इस स्टाइल में कि ये फ़ोटो हैं इस ग्लास पे। तो फिर अब मैंने ये आपके साथ फिर शेयर खिलाया बच्चों को। तो फिर अभी जाना है फिर इनको दोबारा स्कूल छोड़ने, तो अभी सफाई फिर दोबारा टेबल की है, तो बर्तन अभी रखे हैं कि वापसी पे धो लूँगी। चलें फिर चलते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद फिर क्या करना है। फिर हम आए थे इधर कुछ लेना था, आज मेरा मूड था ये कुछ केक वगैरह लेने का, तो इधर में आई थी तो ये लिए है खाने के लिए, लेने की तो ये लिए। और फिर हमने अब चलते हैं वापस शॉपिंग करके, ये भी ले लिया हमने।
खाने के लिए। और ये देखें यहाँ पे पास में उन्होंने कैसे सारा इतना अच्छा डेकोरेट किया होता है ना, सारा कुछ मिल जाता है खाने के लिए। चले फिर हम घर वापस आ गए हैं, तो अभी देखते हैं। फिर मैंने ये फ्रूट वगैरह भी अच्छी तरह से धो कर रखा है, क्योंकि वहाँ चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं। और फिर हमने जो वहाँ बेकरी से भी कुछ चीज़ें ली हैं, फ्रांस की बस ऐसी बेकरीज हैं जहाँ से वो खाने की भी चीज़ें लेते हैं। और दूसरी जिस तरह ये मैंने ली थी अच्छी लगी थी, जैसे पाकिस्तान में होती है जलेबी और कुछ अरेबिक केक थे, तो वो मैंने लिए हैं। तो बच्चों ने फिर भी, बच्चे इतनी चीज़ें पाकिस्तानी नहीं लाइक करते क्योंकि वो उन्होंने नहीं ज़्यादा देखी हुई, तो ये फिर ये साथ में वो दूसरी भी लेकर आई थी जो ऐसे यहाँ लोग खाते हैं किस्म की डेली रूटीन में लोग लेते हैं ये वहाँ से, तो हम भी लेते हैं क्योंकि फिर बच्चों को पसंद है ये, तो वो रोटी इतनी नहीं खाते तो ये खा लेते हैं। फिर मैंने बेकरी से और भी जो केक लिए, ये अरेबिक गए तो थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, फिर मैंने लिए हैं। फिर ऊपर इनके हनी डालना होता है, तो इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये मुझे भी बहुत पसंद थे तो ये भी फिर मैंने वहाँ से लिए। तो ये जो बेकरीज़ हैं यहाँ अरबी लोग जो चीज़ें बनाते हैं ना वो ज़्यादातर होती हैं यहाँ पे, फिर मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये, तो ये भी ले लिए हैं और हनी डाल के। फिर शाम हो गई है तो फिर अभी मैंने खाना खाना था, तो ये आप देख सकते हैं प्याला, ये मेरा फेवरेट है तो इसमें मुझे पानी पीना भी बहुत पसंद है। फिर हमने बिरयानी बनाई हुई थी पहले से तो रखी हुई थी, फिर मैंने गरम करके तो खाई है बिरयानी आके घर आकर, तो फिर केक वगैरह खाए हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप दें, तो मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।